पीलीभीत बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज अहमद खान। आज वृक्षारोपण महाअभियान था, जिसके तहत प्रथम दिन जिला पीलीभीत में 27,38,300 पौधों के लक्ष्य के सापेक्ष 27,61,421 पौधे लगाए गए। आज वन महोत्सव अभियान 2022 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शासन से आए मंत्री अरुण असीम बीसलपुर व पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह एवं जिलाधिकारी पुलकित खरे व पुलिस अधीक्षक दिनेश पी द्वारा कल्याणपुर नौगवां व पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आम जनमानस से किए गए वृक्षारोपण को संरक्षित करने हेतु प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा, नियमित पौधों की देखभाल करें, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और साथ ही साथ पृथ्वी के गिरते हुए जल स्तर को रोकने में मदद मिल सके। कचनार, पीपल, सहजन, बरगद, आम सहित कई लाभकारी पौधों का रोपण यहां किया गया। महाअभियान के अंतर्गत 27 विभागों द्वारा अपने लक्ष्य के अनुरूप वृहद स्तर पर लाभकारी वृक्ष जैसे आम, पीपल, बरगद, सहजन, फरेन, नीम, चंदन, लीची, सागौन जैसे लाभकारी वृक्षों का रोपण यहां पर किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा DFO सामाजिक वानिकी को निर्देशित करते हुए कहा गया कि आज शाम तक रोपित किए गए समस्त पौधों की विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए जियो टैगिंग कराना सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ रोपित पौधों की देखभाल नियमित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि रोपित किए गए पौधों की जियो टैगिंग के उक्त पोर्टल पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि दिए गए लक्ष्य को पूरा किया जाए। वृहद वृक्षारोपण अभियान हेतु नोडल अधिकारी नामित भी किए गए हैं। जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा 5, 6 व 7 जुलाई के वृहद वृक्षारोपण अभियान से जुड़ने हेतु आम जनमानस से अपील भी की गई है। वृहद वृक्षारोपण के तहत जनपद में 38,34,100 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके अनुरूप महाअभियान के तहत निर्धारित लगभग 27,38,300 पौधों का रोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और जुलाई माह के अंत तक प्राप्त लक्ष्य 38,34,100 पौधों का वृक्षारोपण करने का रखा गया है। दिनांक 6 जुलाई 2022 को 2,73,950 पौधों का रोपण व दिनांक 7 जुलाई को 2,73,950 पौधों का रोपण एवं दिनांक 15 अगस्त को 5,47,900 पौधों का रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद में अमृत वन, 3 खाद्य वन, बाल वन, 5 युवा वन, 5 शक्ति वन स्थापित किए जाएंगे। जनपद मुख्यालय पर वृक्षारोपण हेतु 8 प्रमुख स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें उपाधि डिग्री कॉलेज, ट्रिमन कॉलेज, नेहरू पार्क, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर नौगमा, रानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय गुर्ज गौटिया, राजकीय भूमि कल्याणपुर एवं राजकीय पॉलिटेक्निक हेतु जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। इसी बीच जिला अधिकारी पुलकित खरी ने बताया उन्होंने कहा कि उक्त किसी भी स्थान पर माननीय मंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण हेतु प्रतिभाग किया जाएगा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, DC मनरेगा, जिला गन्ना अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त बरेली मंडल सिल्वा कुमारी जे द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुकरी खेड़ा एवं ग्राम पंचायत भानपुर में महिलाओं व छात्र छात्राओं के साथ वृक्षारोपण किया गया। पीलीभीत जंगल के इतिहास में शायद पहली बार 3 पीढ़ियों ने एक साथ वृक्षारोपण किया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वन अधिकारी श्री नवीन खंडेलवाल ने अपने माता पिता व पत्नी और बेटे सहित पीटीआर परिवार के साथ पौधारोपण किया। उधर शेरपुर कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य सनाबी के प्रतिनिधि मोहम्मद मियाँ खान उर्फ छोटे ने पौधारोपण किया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आसिफ इफ्तिखार खान ने व्यवस्था के तहत पहले से ही सामाजिक वानिकी से फलदार व छायादार पौधों को मंगवा कर रख लिया था। प्रधानपति तकी खान, रोजगार सेवक अमानत रसूल सहित सभी लोगों ने लगभग 250 पौधे लगाए। सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करने की भी बात कही गई। वहीं पूरनपुर में विकासखंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात में बने मनरेगा हर्बल पार्क में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संजय खान ने मुख्य अतिथि के रूप में रहकर वृक्षारोपण किया। ग्राम पंचायत अधिकारी राजीव सक्सेना, आसिम अली, सगीर अहमद, राजकुमार, हाशिम खां आदि लोग यहाँ मौजूद रहे।